दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि किस तरीके से अकाउंट बनाए, तो आज का वीडियो हमारा आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज दोस्तों मैं नेटमेड से जुड़ा हुआ वीडियो लेकर आया हूं कि नेटमेड पे आप किस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं और मेडिसिन सर्च कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं टेक हेल्प सूरज यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो जैसा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाकर ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो टिप्स ट्रिक्स ऑफर से जुड़ा हुआ लेकर मैं आऊँ वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक से नहीं जुड़े रहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन जाइए, वहाँ पे हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक प्रोवाइड करवा देगा और हमारे सभी वीडियो को प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करवा दिया गया, आप जाकर वहाँ कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं, साथ ही हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आप आगे आने वाली वीडियो का भी इसी तरह लुत्फ उठाते रहें। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं किसी भी ऐप से, तो उसमें एक चीज़ मैं आप सभी को और बता दूँगा, ऑफर चलता रहता है ऑनलाइन पेमेंट करने पर, चाहे अमेजन से करें या पेटीएम से करें या गूगल पे से करें, ऑफर चलता रहता है, उससे आपको कैशबैक भी मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला दोस्तों कि नेटमेड में अकाउंट कैसे बनाते हैं। वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं बताने वाला हूँ डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, मैंने पहले से नेटमेड ऐप डाउनलोड कर रखा है, हम इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, ओपन करते हैं कुछ इस तरीके के इंटरफेस हमारे को देखने को मिल जाएगा। यहाँ हम इसको क्या करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भगा के आप पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में कि क्या ठीक बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप ईमेल आईडी से बनाना चाहते हैं तो ईमेल आईडी यहाँ पर चूज कर लीजिएगा जो गूगल लिखा हुआ। आप फेसबुक आईडी से बनाना चाहते हैं, फेसबुक आईडी से बना सकते हैं। तो हम गूगल का जो हमारा आईडी है उससे हम बनाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर दिए हैं। यहाँ पे कुछ परमिशन आपसे मांगा जाएगा, उसको परमिशन दे देना है। परमिशन देते हैं, डेटा आपका फेच किया जाएगा। फेच करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप किस आईडी से बनाना चाहते हो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो हम जिस भी आईडी से बनाना चाहते हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आगे क्या स्टेप आएगा, आपको आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आपको दे देना है। मोबाइल नंबर देने का दोस्तों यहाँ पे आपको गो पे क्लिक कर लेना है। गो पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको आप जो नंबर दे रहे हैं उस पर एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, या फिर आप सबमिट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं क्या है ओटीपी, आप सबमिट कर लेते हैं। कभी कभी दोस्तों ऑटोमेटिकली ही एक्सेप्ट हो जाता है ओटीपी, ठीक है, और हम उसके बाद गो पे क्लिक कर देते हैं। गो पे क्लिक करते हैं दोस्तों, क्या होगा कि आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगा, या फिर आप वेरीफाई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो वहां से भी वेरीफाई हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे अपना जो ओटीपी डाला था उसके बाद वेरीफाई हुआ है, उसके बाद हमारा अकाउंट बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप जो नेटमेड्स है वहां पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। कोई भी मेडिसिन अगर मान लीजिए आपको ऑर्डर करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। सर्च करने के लिए ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेडिसिन का नाम आपको टाइप कर देना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको बुखार उखार है, या फिर और भी कोई दवाई मंगवाना चाहते हैं, तो मैं एग्जांपल के लिए एक बता दे रहा हूँ, या पैरासीटामोल मंगवाना चाहते हैं तो इस पर टाइप कर देना, आपको पैरास लिखा हूँ उसी में आ गया यहाँ पे। तो ये कितने का पत्ता है यहाँ पे बताया जा रहा है, 10 टैबलेट का, ये 650 mg का टैबलेट है। तो इस तरीके से जो भी दवाई आप मंगवाना चाहते हैं सर्च करके मंगवा सकते हैं। एक चीज और मैं आपसे एक बता दूं, आप सभी को थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा जब आप अपना अकाउंट बनाइएगा, क्योंकि सेटिंग नहीं कीजिएगा तो फिर बात वही रह जाएगी, आपका ऑर्डर इधर उधर चला जाएगा। तो हमें अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। अकाउंट पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आपको डिटेल भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप एडिट करके डिटेल में अगर कुछ गड़बड़ी तो चेंज कर सकते हैं, बाकी अगर आपको सही लगता है तो आप यहाँ पे अपना ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और मैं आपसे बता दूं, जो आपका डिलीवरी एड्रेस है, और यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस में जाके वो एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एड्रेस जो ये फिल करना है, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का एड्रेस फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, यहाँ पे सिटी और स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं आता है तो आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे नाम है, जो नाम यहाँ पे देख सकते हैं आ रहा है, और यहाँ पे हमारा जो मोबाइल नंबर है वो इजिली शो हो जाएगा, मैंने ब्लर कर दिया है। और इसमें यहाँ पे कुछ भी अपना गाँव का जो नाम है या सिटी का नाम है जहाँ पे रहते हैं वो डाल सकते हैं। लैंडमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपके नजदीक में कोई मंदिर है या फिर कोई स्कूल है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जैसा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाकर ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आऊँ जो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।